मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद की खबरें सुर्खियों में रही। दिग्विजय सिंह शनिवार को दमोह में प्रियंका गांधी की सभा में शामिल नहीं हुई थी, इससे दोनों नेताओं के बीच में अनबन की बात चल पड़ी थी और फिर इस पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। इन तमाम बयानबाजी और सियासी चर्चाओं के बीच में पीसीसी चीफ कमलनाथ से अनबन की खबरों का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भ्रामक प्रचार के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, कांग्रेस एकजुट है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की गुटबाजी इन दोनों चरम पर है, जिसे ढांकने के लिए वे प्रायोजित रूप से कांग्रेसी नेताओं और खासकर मेरे और कमलनाथ जी के बीच में अनबन की झूठी खबरें फैलाते हैं, जबकि कांग्रेस का हर एक नेता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट और संकल्पबद्ध है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। मैं 30 तारीख को दतिया जा रहा हूं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ जनता में जो रोष है, मैं वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जब पर्चा भरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए साथियों, इन भ्रामक प्रचारों से दूर रहें। कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। जनता जो बदलाव चाहती है, उसी बदलाव के लिए हम जनता से अपील करते हैं। और ये भी एक बात समझने की है कि एक तरफ जनबल है कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ धनबल है भाजपा के साथ, और धनबल का उपयोग वे झूठी खबरें छपवाने में उपयोग कर रहे हैं। ये पुरानी इनकी रणनीति रही है, इन सबको समझते हैं।